सबसे पहले तो इस शो की बात करते हैं, बहुत फैबुलस शो था, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट? पहले आपने बोल दिया ना, मुझे क्या बोलने की जरूरत है, फैबुलस था और क्या चाहिए। मैं तो वही सुनने के लिए शो करता हूँ, और कपड़े बनाना एक शौक है। और इनफैक्ट एक टाइम था जब हम लोग कपड़े बनाते थे सिर्फ पैसा कमाने के लिए, आज हम लोग कपड़े बनाते हैं एक शौक के लिए। एंड इनफैक्ट एक मज़ा आता है, यू नो, एक जब लोग देखते हैं और कहते हैं कि यार अच्छा लगा क्रिएशन, और तारीफ करते हैं हमारी, हमारे ब्रांड की, और बहुत खुशी होती है। एंड इट्स बेसिकली नाउ आई वुड से मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज यू नो हमको टाइम मिलता है काफ़ी रिसर्च करने का, काफ़ी लोग हमारी मदद करते हैं, तो काम भी अच्छा होता है, और एक ऐसी चीज़ बनती है जो हमें भी देखकर काफ़ी गर्व होता है। एंड लिबास इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू नो द स्टूडेंट्स वर्किंग विद अस। आज 80 से 90 स्टूडेंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेस के फैशन स्टूडेंट्स हैं, यंग टैलेंटेड किड्स who help us, who give us new ideas, so it is wonderful. बहुत अच्छा लगता है, it's a fabulous experience. अच्छा, कोई आपका experience था इस collection के लिए? ये मैंने last में आपने जो शावर की wife का जो outfit देखा है वो मैंने एक रात में बनाया, because I didn't like जो एक उसके लिए कुछ तैयार किया था हमने, last minute में हमें अच्छा नहीं लग रहा था इतना, तो we thought के we want to change it. तो एक रात मतलब 24 घंटे में हमने वो आउटफिट को तैयार करके 10 मिनट शो के 10 मिनट पहले वो यहाँ पर मंगाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक चीज़ जो हमेशा याद रहेगी, और वो कि माशाल्लाह ने वेल हाँ, ये आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम लोगों ने समर कलेक्शन किया है, विच वी प्लान कि थोड़ा सा लुक इंटरनेशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ इंडिया। आई थिंक अभी मोर पीपल यंगस्टर्स जो शादी कर रहे हैं उनको थोड़े से वेस्टर्नाइज गारमेंट्स चाहिए, दे वॉन्ट टू बाई स्टफ जो के समर कलेक्शन या विंटर कलेक्शन हो, समथिंग दैट्स अ लिटिल मोर पेपी। तो आई थॉट द लाइट गाउन्स दैट वॉज माई एंड, हम लोग ऑफकोर्स वेडिंग तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, बट द लाइट गाउन्स वॉज यू नो स्पेशल फॉर अस दिस टाइम, और ऑल्सो मेन्स वेयर। जो लास्ट में आपने देखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट शावर की वाइफ का और शावर का आउटफिट बहुत बहुत गजब गजब लग रहा था। इनफैक्ट मिमो ने जो पहना है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, वो हमारे पेरेनियल्स हैं, ये वो चीज़ है जो हम लोग जब भी दूल्हा दुल्हन आते हैं और बोलते हैं कुछ और दीजिए, तो हम ये निकालते हैं, हमने कहा दुपट्टे की जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग नोट कीजिए, दुपट्टे बगैर का जो ट्रेंड है हम शुरू कर रहे हैं, सो ब्राइड्स विल नॉट हैव टू वेयर 2-2, 5-5 किलो के दुपट्टे एनीमोर। एंड इनफैक्ट अभी ये नई परंपरा शुरू होनी चाहिए, सो लेट्स सी, वी स्टार्टेड अ ट्रेंड, लेट्स सी व्हाट अदर्स वांट टू फॉलो इट ऑन आवर। वेल मिमो इज अ वेरी डियर वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और उनकी एक पिक्चर भी आ रही है अभी, तो इनफैक्ट हमने सोचा कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू यू नो साथ में एक काम करने का, और मैंने मिमो को फ़ोन किया लास्ट मिनट पे, और उन्होंने कहा कि रियाज मेरे साइज के कपड़े बना सकता है लास्ट मिनट पे, तो आई एम कमिंग। तो आई सेड सर ये टास्क होगा, बिकॉज ही इज़ बिग एंड ब्रॉड बिल्ट, एंड यू नो उनके साइज के इमीडिएटली हमारे पास स्टोर में रेडी नहीं रहते, तो रातों रात उनका भी हमने प्रिपेयर किया, तो इट वॉज अ टास्क, बट इट वॉज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज मिमो कम्स फ्रॉम द चक्रवर्ती फैमिली एंड इज अ लेजेंड, father is a legend, and I would say ke aaj nahi to kal he will become a super hit, you know, and inshallah I pray for him kyunki ye picture ko success mile. Support in the sense dekhiye shows always hum log dono ke beech ke hote hain, so we try to support each other. Agar 12 baje 1 baje raat tak kabhi kar rahe hain to both of us are together, so वैसे support की बात होती नहीं है, we have very good support with our staff. And look at the star, look at the outfit. That's because of this man over here. I've been telling this openly, and I say this, if any man can make a dress. Look at the outfit. That's because of this man over here. I've been telling this openly, and I say this, if any man can make a dress. He's already planning my future. I'm telling you, if anybody can make my clothes, it's his man. Like, it really makes me look like a prince. So all thanks to his works. Well, you see, the clothes make the man, and when you wear the clothes, you get the confidence. And I believe because of its clothing and the way it's fit me, I just felt like I need to conquer the rampant. So I felt very good. जैसे मैम ने कहा है कि पहले से मेरी शादी की प्लानिंग हो रही है, और इट फील्स गुड, लगता है अभी मुझे पता चल गया है, और इट फील्स टू बी दूल्हा। वेल फिल्म बहुत अक्लेम हो चुकी है, परफॉर्मेंस को बहुत अक्लेम हो चुका है, एंड ऑफ कोर्स आप लोग की दुआ है बहुत काम आएगी, एंड ऑफ कोर्स इंशाल्लाह सौरव मैम के साथ और काम करने का मौका मिलेगा। अरे वाह, थैंक यू।